भाई ने एक अच्छा सवाल किया जो कॉमनली लोग पूछते हैं और होता भी ऐसा लाइफ में. उन्होंने कहा कि मैं कुछ करने जाता हूँ, जब वो मंजिल को हासिल करना चाहता हूँ तो यू टर्न ले लेती है लाइफ, मतलब ज़िंदगी पलट जाती है, मंजिल यू टर्न ले लेती है. यू टर्न समझते हैं ना, पूरा मामला उल्टा. और फिर लोग बोलते हैं कि भाई तुम गलत करो, इसलिए कि वो करने जाते कुछ और हो जाता है कुछ, तो इसका क्या हाल है? देखिए, जब आप किसी चीज़ को करने जाते हैं और आप समझते हैं ये मेरी मंजिल है, अल्टीमेट एम है, इसको मुझे अटेंड करना है, इसको हासिल करना है, और जब आप वहाँ तक जाकर पहुँचते हैं, चूँकि आपकी ख्वाहिश है, आप ऐसा सोचते हैं आपके लिए अच्छा है, और जाने के बाद वो चीज़ वो आपके लिए नहीं रहती, दूसरी आप यू टर्न ले लेती है, दर हकीकत अल्लाह ताला आपको उस तरफ पलटाता है जो आपके लिए बेहतर है. वो यू टर्न नहीं है, वो आपके लिए बेहतर चीज़ है. आपको लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए बेहतर है. जिसकी एक मिसाल देता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया जब हुई, उससे पहले मुशरिकीन मक्का ने कहा कि आप मक्का में उमरे के लिए दाखिल नहीं हो सकते, दाखिल नहीं हो सकते. नतीजतन सहाबा ने कहा कि हम लड़ेंगे, हमारा हक है, हम लड़ेंगे. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं किया, लड़ाई को, और मुआहदा किया. मुआहदा भी, ट्रीटी भी, वन साइड पूरी. मुआहदा कैसा हुआ? तुम्हारा आदमी हमारे पास है तो वापस नहीं लौटाएंगे, हमारा आदमी तुम्हारे पास है तो वापस देना. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी मान लिया. उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु इतने वो हुए, कहा क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहदा होने के बाद हम अखबर नहीं हैं? तो कहा अखबर है, फिर लड़ते क्यों नहीं उनसे, क्यों मुआहदा हो रहा है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, क्या अबू बकर सिद्दीक क्या हम अखबर नहीं हैं? तो कहा अखबर है, फिर क्यों नहीं जवाब देते उनको, क्यों मुआहदा कर रहे हैं हम लोग, हम अब ताकत रखते लड़ने की? लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को पसंद किया. सहाबा के नज़दीक वो उमरे को जाना या मुशरिकिन का उनको रोकना, वो मंजिल थी कि उनको सजा दे, लेकिन वहाँ उनके तल्ली यू टर्न जैसा दिख रहा होगा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहदा कर लिया, मुआहदा कर लिया अल्लाह के बदले. उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान नाजिल की और उसमें बयान किया, फरमाया इन्ना फतहना लक फतह मुबीना, हमने नबी आपको एक खुली कामयाबी दे दी. ये सुलह हुदैबिया को खुली कामयाबी कहा गया. अब सहाबा को दिख रहा है इसमें कामयाबी नज़र नहीं आ रही, शिकस्त जैसा कुछ तो भी दिख रहा, कुरान कह रहा है खुली कामयाबी ये चीज़. उसके बाद जो दरवाजे दावत इस्लाम के लिए खुले उस सुलह के बाद, जो अमन हुआ मक्का और मदीने वालों के अंदर, नतीजतन इस्लाम दुनिया में फैल गया और बड़ी बड़ी हुकूमतों तक जाकर पहुंच गया. लेकिन सहाबा नहीं समझ पा रहे थे. तो कभी जैसे आपने कहा ना, मंजिल आपको एक लगती है, आप मंजिल की तरफ जाते हैं, मंजिल यू टर्न हो जा रहा है, मामला बदल जा रहा है, दर हकीकत वो चीज़ आपके लिए अच्छी है, आपके लिए खैर है. अब जब कुछ लोग हैं जिनको आप बोल दे रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, और फिर वो यू टर्न हो जा रहा है, तो आप उनको एक्सप्लेन कीजिए, मैंने तो चाहता कि मैं ये काम करूँ, लेकिन मेरे रब ने चाहा कि ये चीज़ मेरे लिए बेहतर है. और ये बहुत अहम चीज़ है ज़िंदगी में, ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगी कि जब कोई चीज़ आप चाहते अगर ना हो तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, इसलिए कि वो हुआ जो अल्लाह चाहता था आपके साथ. और इस पर सब्र कीजिए कि जैसे आप चाहते थे कि ये कोर्स कर लूँ, ये चीज़ हासिल कर लूँ, ये गाड़ी परचेस कर लूँ, ये जॉब कर लूँ, वो आपको नहीं मिला, लेकिन आपके लिए इससे अच्छा था. मैं बताता हूँ, कुछ लोग, जब मैं कॉलेज से निकला, एमसीए मैंने कंप्लीट किया, सब लोग जॉब ढूंढ रहे थे, मैं भी जॉब किया कुछ वक्त तक, बहरहाल फिर बिजनेस मैंने किया. तो जब जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत सारे लोग मुझे अपने दोस्त कॉल करते थे कि मुझे बैंक में जॉब मिल रही, क्या मैं कर लूँ? मैं कहता था इंतजार करो, इंशाल्लाह इससे अच्छा मिलेगा. अरे पैकेज बहुत अच्छा है, 1,60,000, 1,60,000 का पैकेज, मतलब आज से समझ लीजिए मैं 13 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा पैकेज था. मतलब उन तनख्वाह 15,000 के करीब चल जाती है, मतलब 13,000-14,000 के करीब जो है तनख्वाह चली जा रही थी, 13,000-14,000 के करीब जो तनख्वाह है. तो वो कहे, मैंने कहा नहीं इंतज़ार करो. तो उनको लग रहा था अल्टीमेट एम था यार हमारा जॉब करना और इतनी अच्छी सैलरी मिले, लेकिन बैंक में मैंने इंतज़ार करो. उसके बाद फिर मॉनिटर करता था मैं, लोगों से बात करता था, 1-8 साल बाद कॉल किए, क्या हुआ? तो कुछ ऐसे तो जो 1 साल बाद भी जॉब नहीं मिला, क्या फैज भाई जब इतना अच्छा था ऑफर. मैंने कहा इंतज़ार करो, अल्लाह कुछ इससे अच्छा दें. फिर किसी से बात हुई कभी, एक डेढ़ साल बाद क्या हुआ? बोलता था माशाल्लाह मेरी तो जॉब लग गई, क्या पैकेज मिला? 160 का पैकेज हाथ से गया ना बैंक का, क्या पैकेज क्या मिला? तो को बोला 450 का पैकेज मिला, जो कि 1 साल रुकने के बाद 3 times ज़्यादा पैकेज था ऑलरेडी. तो देखिए असल क्या है कि इंसान अगर अपना एम बना ले कि मुझे हलाल कमाना है, ठीक है, और हलाल में भी जैसे आप जा रहे हैं किसी मंजिल की तरफ और वो भी यू टर्न ले रहे, तो आपके लिए उससे अच्छा कुछ इंतज़ार कर रहा है, याद रखिए, आपके लिए उससे अच्छा कुछ इंतज़ार कर रहा है, इसका मतलब ये. और कई सारी चीज़ें जो सहाबा की ज़िंदगी से हमें नमूना मिलते हैं, उन्होंने एक चीज़ को खैर समझा, अल्लाह ने कुछ और करवाया और कहा कि तुम्हारे लिए, तुम ये समझ रहे थे खैर है, अल्लाह ने उसमें खैर रखी, लिहाजा आपके लिए बुरा नहीं है. तो आप लोगों को समझा, मेरी नीयत अच्छी थी, मैंने कोशिश की, नहीं हो पाया तो अगर समझे कोई चीज़ थी जो वादा कर चुके थे, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन शायद जो हुआ वो मेरे लिए बेहतर था. लेकिन अभी मायूस मत होइए, नाराज़ मत होइए, सब्र का दामन मत छोड़िए, अल्लाह पर तवक्कुल में कोई कमी मत आने दीजिए, अमल करते रहिए. इंशाल्लाह कुछ सालों बाद जब आप पीछे अपनी ज़िंदगी देखेंगे ना, तो आप कहेंगे वहाँ ये चूका ना बहुत अच्छा हुआ, यहाँ ये नहीं किया ना सबसे अच्छा डिसीजन था, वहाँ फलाने अल्हम्दुलिल्लाह आज जाऊँ सबसे अच्छी जगह हूँ. ठीक है, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अल्लाह ताला इंशाल्लाह जिस तरफ आपको जो आपके लिए बेहतर हो उस तरफ इंशाल्लाह गामजन करेगा इंशाल्लाह.